गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. टुडे वी रीड SST चैप्टर 2, ग्लोब्स एंड मैप्स, पेज नंबर 208. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 208. मेंशन द डेट हियर. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: डिफाइन ग्लोब एंड मैप, लर्न अबाउट कंपेंस एंड इट्स यूजेस, नेम द फोर मेन डायरेक्शंस. इस चैप्टर में हम ग्लोब और मैप के बारे में, कंपेंस होते हैं दिशा सूचक यंत्र और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. डायरेक्शन मीन्स दिशाएं, चार मेन दिशाओं के नाम पढ़ेंगे. वार्म अप. हाउ मैनी ओशंस आर देयर ऑन अर्थ? नेम द ओशन विच गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ कंट्री. द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम टू हैव लाइफ ऑन इट. हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है. इट इज़ बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ एक लेयर ऑफ एयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. लेयर ऑफ एयर का मतलब है गैसेस या हवाओं की एक लेयर है. इट हैज़ मॉडरेट, अंडरलाइन द वर्ड मॉडरेट, टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव. मॉडरेट होता है मीडियम या मध्यम. यहाँ पर वस्तुओं को जीवित रहने के लिए मध्यम तापमान आवश्यक, मध्यम तापमान है. आवर अर्थ इज़ क्वाइट बिग इन साइज. हमारा अर्थ जो है साइज़ में बहुत बड़ा है. वी कांट सी द होल अर्थ एट अ टाइम. हम एक टाइम में पूरे अर्थ को नहीं देख सकते. सो वी नीड अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी इट. इसलिए हमें अर्थ को स्टडी करने के लिए एक स्मॉल मॉडल की आवश्यकता है. यहाँ पर देखिए पिक्चर्स में, इसमें बताया कि हमारा सोलर सिस्टम में अर्थ ही पहले तो ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है. इसके चारों तरफ एक लेयर होती है गैसेस की जो लाइफ के लिए आवश्यक होती है. यह साइज़ में बहुत बड़ा है. इसको हम एक टाइम में हम पूरे अर्थ को नहीं देख सकते, इसलिए हमें एक छोटे स्मॉल मॉडल की आवश्यकता होती है इसको स्टडी करने के लिए. नाउ ओपन पेज नंबर 209. ग्लोब. अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है. इट इज़ राउंड लाइक एन अर्थ. यह अर्थ की तरह ही राउंड है. अ ग्लोब इज़ यूजफुल टू स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. अर्थ के विभिन्न प्लेसों को स्टडी करने के लिए ग्लोब यूजफुल है. इट शो अस द पोजिशन ऑफ लैंड एंड वाटर. यह हमें लैंड एंड वाटर की पोजिशन बताता है, लैंड एंड वाटर की पोजिशन बताता है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड कंट्रीज. यह हमें विभिन्न कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं उनका पता लगाने में हेल्प करता है. हाउएवर अ स्मॉल मॉडल कांट शो ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ. बावजूद इसके भी हम ग्लोब पर पूरे अर्थ के जो प्लेसेस हैं उनको शो नहीं कर सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ हग ग्लोब. एक बहुत विशाल ग्लोब को ले जाना डिफ़िकल्ट, कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है. वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम ऑन अ ग्लोब. एक टाइम में ग्लोब पर हम ओनली हाफ अर्थ को ही देख सकते हैं. वी हैव टू रोटेट, अंडरलाइन द वर्ड रोटेट, द ग्लोब टू सी द अदर हाफ. रोटेट मीन्स होता है स्प्रिंग या घुमाना. दूसरे हाफ पार्ट को देखने के लिए हमें ग्लोब को स्प्रिंग या घुमाना पड़ता है. यहाँ पर देखिए पिक्चर में, ये है ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है. यह इस पे हम अर्थ के विभिन्न वाटर, लैंड, कॉन्टिनेंट, ओशंस एंड कंट्रीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं. परंतु यह साइज़ में बहुत बड़ा होता है, एक तो इसको कैरी नहीं किया जा सकता और मतलब एक टाइम में हम पूरे ग्लोब के ऊपर पूरा अर्थ नहीं देख सकते. इसका जो पीछे वाला पार्ट है एक टाइम में हम इतना ही देख सकते हैं. सेकंड पार्ट को देखने के लिए इसको हमें स्प्रिंग करना पड़ता है. मैप्स. अ मैप इज़ आल्सो यूज्ड टू स्टडी अबाउट द प्लेसेस ऑन द अर्थ. अर्थ के प्लेसेस को स्टडी करने के लिए मैप भी बहुत यूज़फुल है. इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. ये अर्थ मैप एक अर्थ की ही एक ड्राइंग है जो एक अर्थ का पार्ट है जो फ्लैट सरफेस में है. मैप्स कैन बी स्मॉल और लार्ज. मैप जो है स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी.
अ बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एन एटलास। मैप्स की जो बुक होती है उसे एटलास कहा जाता है, कहते हैं। समटाइम्स लार्ज मैप्स आर यूज विच कैन बी पुट ऑन अ वॉल। कई बार हम एक बहुत बड़े मैप को यूज़ करने के लिए उसे दीवार पर रखते हैं। दीज आर कॉल्ड वॉल मैप्स, उन्हें वॉल मैप्स कहा जाता है। मैप्स आर इजीली टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनलाइक ग्लोब। मैप्स को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इजी होता है अकॉर्डिंग टू ग्लोब। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप टू स्टडी अबाउट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ के विभिन्न प्लेसों को स्टडी करने के लिए हम बहुत तरह के मैप यूज़ करते हैं। सम मैप्स शो डिफरेंट कंट्रीज एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस। कुछ मैप्स जो हैं वो विभिन्न कंट्री और इम्पोर्टेंट जगहों को शो करते हैं। मैप्स आर ऑल्सो यूज्ड टू शो द पोजिशन ऑफ माउंटेन रिवर्स एंड लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। कुछ मैप्स जो होते हैं वो पोजिशन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की पोजिशन, रिवर्स, लैंडफॉर्म्स को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैप, मैप्स आर यूज़फुल बिकॉज दे, मैप जो हैं बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि वे टेल द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस, प्लेस की किसी जगह की डायरेक्शन, दिशा के बारे में बताते हैं। हेल्प टू लोकेट अ प्लेस, जगह का पता लगाने में हेल्प करते हैं। शो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सच एज वाइदर अ प्लेस इज नियर अ सी, माउंटेन एंड अ रिवर। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स मीन्स होते हैं तथ्यों को शो करते हैं। जैसे कोई प्लेस समुद्र के पास, समुद्र या माउंटेन या रिवर के पास है। गिव अस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, किसी जगह के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड चैप्टर 2 पेज नंबर 208 एंड 209। आई होप यू आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी रीड नेक्स्ट पेजेस। सो गुड डे, बाय बाय।